दुनिया आत्मिक रूप में किसी को पहचानने वाली है या देह के रूप में पहचानती है? आत्मिक रूप में पहचानती है, आत्मिक रूप में। आत्मिक दृष्टि ही नहीं है किसी की तो पहचानेगी कैसे? तो देह के रूप में दुनिया देखती है। क्राइस्ट की भी जो पूजा हो रही है वो देहधारी कौन है? जीसस है। लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? क्राइस्ट है। तो क्राइस्ट वाली आत्मा का गायन है, उसके चित्र लगाते हैं ऊंचे स्थान पर। उसका चित्र है नहीं, जीसस का चित्र लगाते हैं, लेकिन चित्र लगाते लगाने वाले ये नहीं जानते कि ये जो चित्र है उसमें चरित्र बनाने वाला कौन है। चरित्र किसने किया क्राइस्ट का, वो नहीं जानते। और हम बच्चे क्या देखते हैं? हम आत्मा को देखते हैं कि शरीर को देखते हैं? हम बच्चे आत्मा को देखते हैं। तो जो आत्मा को देखते हैं जरूर वो देवात्मा होंगे, और जो देह को देखते हैं वो क्या हुए? राक्षस हुए। देवात्मा और दैत्यात्मा, ये दो अलग अलग हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा में भी शिव ने जब प्रवेश किया तो जिन्होंने ब्रह्मा दादा लेखराज को देखा उनके चित्र और चेहरे को याद करते रहे, उनकी गोद का सुख लेते रहे, वो हो गए पुखवंशावली राक्षसी ब्राह्मण। और जिन्होंने मुख से निकली हुई बात को फॉलो किया, मुख से निकली हुई मुरली को फॉलो किया, मुरली से प्यार किया, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, वो देवात्मा बन गई। 84 जन्म लेने वाली, उनकी संख्या कितनी है? 9,16,108 आत्माएं निकलती हैं इतनी 500-700 करोड़ की सृष्टि में से, जिन्होंने मुख से निकले हुए ज्ञान को पहचाना। उनमें भी 4.5 लाख ऐसे हैं जो आंख बंद करके पहचानने वाले हैं। जैसे आंखों के अंधे इसलिए नाम पड़ा धृतराष्ट्र, सारी धन संपत्ति को धर के बैठने वाले,